नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली नगर निगम में सदन में सोमवार को बीजेपी और आप पार्षदों के हंगामे के बाद से मेयर पद का चुनाव स्थगित हो गया। उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षदों को भी मतदान की अनुमति मिलने पर आपने आपत्ति जताई। दिल्ली नगर निगम में चुनाव में आपको बहुमत मिला था, जिसके बाद से तीसरी बार मेयर पद चुनाव स्थगित हुआ था। इससे पहले दो बार, बता दें कि 6 जनवरी और 24 जनवरी को सदन में हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाया था। बीजेपी ने एलजीवी के सक्सेना से सत्र फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी की तारीख की सिफारिश की थी, जबकि आप पार्टी ने 3, 4 और 6 फरवरी का सुझाव दिया था। एलजी ने आपका सुझाव मानते हुए सदन के सत्र के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की थी। आपने मेयर के लिए शैली ओबरॉय और साथ ही बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा। ऐसे में राजधानी में एक महिला मेयर का मिलना तय है। वहीं बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने दावा किया कि मेयर बीजेपी का ही होगा। एमसीडी चुनाव के बाद से सदन में पहली बैठक 6 जनवरी को हुई थी, लेकिन हंगामे के कारण मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया था। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के दौरान एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को आरोप लगाती नजर आ रही है, मगर इस लड़ाई में नुकसान जनता को हो रहा है। इन सारे मामले को लेकर पूर्व केंद्र मंत्री और बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन से हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ सैयद ने बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन का क्या कुछ कहना है। सर, आपने लंबे समय तक दिल्ली को देखा है, क्या लगता है कि जो स्थिति अब है तब से और ज्यादा हालत खराब है या क्या लगता है? नहीं भाई, बहुत दुखद है यार, मुझे तो बहुत तकलीफदायक लगता है, क्योंकि जो चुने हुए हाउस हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन के हों, चाहे वो असेंबली के हों, पार्लियामेंट के हों, वहाँ जनता बड़ी उम्मीद के साथ लोगों को भेजती है। और अगर मैं समझता हूँ जनता आकर यहाँ देखे कि क्या होता है और एक चुनाव ही नहीं होने देती है जीती हुई पार्टी, तो जनता को, तो मैं समझता हूँ जनता के साथ तो ये धोखा और बेईमानी। बड़ी वजह क्या लग रही है आज के दिन को लेकर, क्योंकि तीसरी बार टला है इस बार? बड़ी वजह यही लग रही है कि पता नहीं हम आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहती है, हमें नहीं समझ में आता। इसकी बड़ी वजह मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, उनका मेयर बनना है, सब कुछ उनके हक में है, मेजॉरिटी नंबर्स उनके हक में, फिर भी वो अवॉइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह तो वही ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। आपको लगता है कि सदन के कारण से नुकसान जनता का ही है? ऑब्वियसली जनता का नुकसान है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन एक लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा चेहरा भी बीजेपी का दिल्ली की तरफ से, अगर हम माने जो पुराने पहले के सांसद हैं, जो अभी के सांसद हैं, उनमें एक पुराना बड़ा चेहरा भी है, आज जिस तरीके से सदन में फिर एक बार हुआ, यानी तीसरी बार एमसीडी की सदन में की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, और दूसरी तरफ कोर्ट जाने के बाद जब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन वापस ले ली, तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि क्या चौथी बार कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा मेयर के चुनाव के लिए, या फिर दोनों पार्टियां आपस में रजामंदी के साथ चुनाव कराएं। इसके साथ ही नगर निगम के सदन में हंगामा के बाद से ही बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। प्रवेश जी, अभी जिस तरीके से हंगामा एक बार फिर हुआ, क्या कहेंगे, थर्ड टाइम कहीं ना कहीं नुकसान जनता? देखिए, आज दो कारण थे। एक तो जो दोनों आम आदमी पार्टी के एमएलए जिनको कल सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है, वो अंदर मौजूद थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। दूसरा, जो एल्डरमैन को बार बार ये रोका जा रहा है कि वो वोट नहीं डालेंगे, ऐसा कोई एक्ट का, कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं कहता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर, एक बार जब मोनिका मल्होत्रा वर्सेस एमसीडी का केस हुआ था, तो उस समय क्योंकि केवल जोन का इलेक्शन होना था, मेयर का इलेक्शन हो चुका था, तब हाई कोर्ट ने कहा था कि इस एल्डरमैन को जोन के इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि एमसीडी का इलेक्शन ऑलरेडी, अपना मेयर का इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। ये पहली बार ऐसा हुआ है आज तक कि एमसीडी के मेयर के इलेक्शन से पहले ही एल्डरमैन को चुन लिया गया है, इसलिए एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार है। अगर आप सारे पार्षदों का अधिकार को उनसे रोकेंगे, तो ऐसे में तो इलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से तीन बार सदन स्थगित होना, कभी आम आदमी पार्टी हावी होती है, कभी आप लोग हावी होते हैं, उससे नुकसान तो आखिरकार जनता का ही है ना? अब ये तो आम आदमी पार्टी की ये अपना जो है नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि अपना मैंडेट उनको मिला है,
इलेक्शन वो जीते हैं, दिल्ली में सरकार उनकी है, उसके बाद भी अगर वो मेयर नहीं बनने देंगे तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है। आप कहते हैं नंबर फिर भी उनके पास है, मेयर उनका बन सकता है, उसके बावजूद भी फिर क्यों नहीं चुनाव? क्योंकि उनको ये डर सताया जा रहा है कि कहीं उनके पार्षद कोई क्रॉस वोटिंग ना कर दें, इसीलिए ओपन वोटिंग की बात हो रही है। नहीं, हमेशा होना ही चाहिए, जो भी वोटिंग है अगर हम कोई ओपन वोटिंग नहीं कराएंगे तो वो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि ओपन वोटिंग नहीं करा रहे, तो ओपन वोटिंग होना चाहिए, सबके सामने दिखना चाहिए। वही मेयर चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वही आपको सुनाते हैं कि आप विधायक प्रवीण कुमार ने क्या कुछ कहा है। मेरे साथ जगपुरा से विधायक प्रवीण है। प्रवीण, क्या लग रहा है कि तीसरी बार भी सदन स्थगित, आरोप यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने कहते जबकि खामोशी से आप लोग बैठे भी थे, वजह क्या लग रही है, क्यों हुआ है इस बार भी ऐसा? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी एक कुंठित मानसिकता है, वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। जैसे पहले भी आपने देखा होगा, जब दिल्ली के चुनाव ये हारे तब भी इन्हें लगातार जो है अलग अलग तरीके बदमाशी करी, दिल्ली में तुष्टिकरण करने की कोशिश करी। दूसरी जगह अब ये मेयर का इलेक्शन इतनी बुरी तरीके से हारने वाले हैं, दिल्ली की जनता ने इनको पूरी तरीके से एमसीडी में बाहर कर दिया है, झाड़ू मार मार के इनको बाहर भगा दिया है, लेकिन फिर भी ये अपनी हार जो है वो एक्सेप्ट नहीं पचा नहीं पा रहे हैं। इनको सदमा लग गया है कि आखिर वो हार कैसे गए। तो आज क्या वजह लग रही है? आज भी यही वजह है, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार नई नई कहानी ले आती है, नई नई स्टोरी ले आती है। पोटम स्क्रिप्ट ने आज बोल दिया कि जिनके ऊपर केसेस हैं उन्हें बाहर करो। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता जिनके ऊपर केसेस हैं, क्या वो भी देश में कहीं पे भी नगर निगम है या कोई भी संवैधानिक बॉडी है जहां वोटिंग होती है, क्या वो भी वोटिंग से बाहर हो जाएंगे? और दूसरी चीज है कि एल्डरमैन का आज तक वोट नहीं होता, संविधान में पूरी तरीके से स्पष्ट है, पूरी तरीके लिखा हुआ है कि एल्डरमैन जो है वो कभी वोट नहीं डाल सकते। उनको एल्डरमैन भी वोट डाल देते तब भी तो नंबर आपके पास, तब भी, लेकिन संविधान जो है संविधान कुछ चीज होती है। हम तो एल्डरमैन चले, एल्डरमैन में वोट डाल दिए, लेकिन नए नए इसके बाद नई चीज होगी, उसके बाद नई चीज होगी, उसके बाद दूसरी कहानी लेगी, ये पूरी स्क्रिप्टेड है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक दिल्ली की एमसीडी को स्क्रिप्टेड लिखा हुआ है। उन्हें पता है कि 15 साल में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया, उनके भ्रष्टाचार जो है वो चीख चीख के बोलेंगे, आधे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो जेल में हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अभी अपना रोल किया उसके बाद से अब कहीं ना कहीं आरोप सीधे तौर पर बीजेपी का है। बीजेपी पे ये आरोप है कि आज सदन में आम आदमी पार्टी के नेता जो थे वो तो बिल्कुल खामोशी से थे, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर वोटिंग यानी मेयर का चुनाव ना कराने की कोशिश में ये पूरा मामला गढ़ा है। वीडियो रिलीज 87 के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। वही दिल्ली नगर निगम में सदन में हंगामे के बाद से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने एमसीडी एक्ट की बात भी कही है, आइए सुनिए। आज दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा और घिनौना खेल खेला है, उससे एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो संविधान को मानती है, ना कानून को, ना किसी नियम कायदे को, ना लोकतंत्र को, केवल और केवल गुंडागिरी को मानती है। जो 10 एल्डरमैन लगाए गए हैं वो वोट करेंगे, अब इनके बारे में संविधान से लेके कानून तक में, संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एल्डरमैन को वोट करने का अधिकार नहीं है। मैं संविधान की लाइन पढ़ देता हूं आपके सामने, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, संविधान के आर्टिकल 243R में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य की जो विधानसभा होगी वो एमसीडी में या किसी भी नगर निगम में, राज्य की जो सरकार होगी, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन ए म्युनिसिपैलिटी ऑफ द फॉलोइंग पर्संस हैविंग स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस टू म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। बीजेपी की पीठासीन अधिकारी ने बहुत ही असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से ये कहा कि भाई मेयर के इलेक्शन में ये लोग वोट डालेंगे। हमारे पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ये साफ था कि बीजेपी जो भी साजिश कर ले संविधान तोड़ने की, कानून तोड़ने की, लेकिन दिल्ली की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया है, नंबर्स हमारे पास में, इसलिए फिर भी हमारे पार्षद एकदम शांत बैठे रहे सदन में। तीसरी बार भी एमसीडी के सदन आज स्थगित कर दिया गया, वजह साफ रही, आज इस बार आम आदमी पार्टी खामोश थी तो बीजेपी ने फिर एक बार
जोर शोर से हल्ला किया और यहां तक कि साफ तौर पर बीजेपी वोटिंग नहीं कराना चाहती, ऐसा आरोप आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लगाया। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बीजेपी की मंशा है अब साफ हो गई है कि बीजेपी को पूरी तरीके से जनता ने नकारा था और 134 सीटें देकर आम आदमी पार्टी को एमसीडी के सदन में भेजा था, लेकिन बीजेपी अब साफ नहीं चाहती कि मेयर का चुनाव हो और मेयर आम आदमी पार्टी का बने। वीडियो जल्दी सरताज के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। मेयर चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इसमें बाजी कौन मारता है और कब तक ये तारीख पे तारीख होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुरहमान बर्क ने अपने समान नागरिक संहिता का बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। अगर समान नागरिक संहिता कानून लागू होता है तो इससे हिंदू और मुस्लिमों में आपस में मतभेद बढ़ेगा। आपको बता दें कि संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुरहमान बर्क हमेशा से ही अपने बयान को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। कभी वे वंदे मातरम को लेकर विवादों में रहते हैं तो कभी वे बीजेपी और साथ ही आरएसएस के खिलाफ हमलावर हो जाते हैं और सपा सांसद ने अब समान नागरिक संहिता के बयान देकर राजनीति को हवा दे दी है। वही पूर्व केंद्र मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने रोजगार को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर अपने वीडियो अपलोड करते हुए लिखा है कि नौजवान आज रोजगार के लिए परेशान है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ही लेखपाल की नौकरी का नोटिफिकेशन निकाला था, जिससे आज तक परिणाम नहीं आया है। बुंदेलखंड के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी बच्चों को रोजगार नहीं रहा है। वही ललितपुर में आयोजित हो रहे ऐतिहासिक पंच कल्याण महामहोत्सव का 11 रथों में फेरी के साथ ही विसर्जन हो गया है। वहीं महोत्सव के अंतिम दिन भगवान के मोक्ष कल्याण के साथ साथ विश्व शांति यज्ञ का आयोजन करके विश्व में मची उथल पुथल को शांति की कामना की गई है। इसी ऐतिहासिक आयोजन के लिए लाखों जैन श्रद्धालु साक्षी बने और साथ ही सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही। झांसी के थाना लहचूरा अंतर्गत सितारा नदी के घाटी से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसमें बता दें आपको कि सुबह से ही 7:35 की रसीद पर दिन के 1 बजे तक 7:35 से लेकर बता दें कि दिन के 1 बजे तक बालू ट्रैक्टर से ग्राम खदरका में डाली जा रही है। जब ग्रामीण ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बता दें कि बालू से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। वहीं सूत्रों की माने तो जब पुलिस पहुंची तो तभी ट्रैक्टर चालक और मालिक मौके से फरार हो गया। पकड़े गए ट्रैक्टर पर कोई नंबर अंकित नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के निर्देशानुसार आज झांसी के कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने ग्राम से जारी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत एक सभा को आयोजन किया है, जिसमें जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ा यात्रा के दौरान देश में जो हालात देखे हैं उनको देखते देखते हुए समझते हुए अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी की चिट्ठी को लेकर हर घर तक जाएगा और लोगों को सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी बताएगा। आज देश का किसान, नौजवान, मजदूर सभी परेशान है। बदायूं के थाना फैजगंज बहटा क्षेत्र के ग्राम बता दें कि नहडोली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को झंझोर कर रख दिया है। बता दें कि अपनी खराब आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी से जूझ रहे एक व्यक्ति को लालच का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने महज 3 दिन में ही अपने नवजात शिशु को 2.5 लाख रुपए में सौदा कर दिया।
चौंकाने वाली बात यह है कि इस सौदेबाजी में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है। जब महिला को उसने नवजात शिशु के सौदे का पता चला तो उसने घर में कलेश मचाना शुरू कर दिया। हंगामा होते देख उसने पति ने महिला को बरगलाकर बता दी कि आफसपुर पुलिस चौकी में नवजात के अपहरण की झूठी तहरीर देकर भेज दिया। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो महिला ने बच्चे का सौदा होने का कबूल करते हुए उनका इल्ज़ाम पति के ऊपर लगाया और साथ ही पुलिस ने इस मामले में 3 दलालों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पूछताछ चल रही है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ग्राम नहडोली निवासी नरेश यादव भूमिहीन और बेरोजगार है और उसके पास संतान है और जिसका भरण पोषण बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। वहीं अब खबर झांसी से है, जहां पर रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर उपजे विवाद पर राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारिणी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और इसके लिए आतंकवादियों द्वारा फंडिंग भी की गई है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश में अखिलेश यादव ने आतंकवादियों से पैसा भी लिया है। कांग्रेस, आप और बीएसपी भी इस साजिश में शामिल है। वेदांती ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के लिए कड़ा कानून बनाने की भी सिफारिश करते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब तिहाड़ या नैनी जेल में डाल देना चाहिए। झांसी के कदौड़ा में बता दें कि समोसे के पैसे मांगने पर एक युवक के साथ 3 लोगों ने गाली गलौज की और साथ ही मारपीट का ये मामला सामने आया है। वही पीड़ित ने पुलिस को मामले की शिकायत की है। जानकारी के अनुसार ग्राम कदौरा निवासी रानू पुत्र मंजू रेकवार ने मौरानीपुर कोतवाली पुलिस से दी गई प्रार्थना पत्र में बताया है कि शाम 7 बजे अपने चाय नाश्ते की दुकान पर बैठा हुआ था और तभी गांव का ही एक युवक आया और समोसा मांगने लगा। जब समोसे के पैसे उसने मांगे तो उक्त युवक कहने लगा कि कोई पैसे नहीं है, नहीं दूंगा। वही साथ ही धमकी भी देने लगा, जिसके बाद से थोड़ी देर बाद युवक अपने 2 साथियों के साथ आया और मुझे दुकान के बाहर बुलाकर गाली गलौज करने लगा और साथ ही मेरे साथ मारपीट की घटना को उसने अंजाम दिया है, साथ ही धमकी भी दी है उसने। फिलहाल पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से उक्त 3 लोगों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जब व्यक्ति के पास काम नहीं करने का जज्बा और साथ ही जुनून हो लेकिन आर्थिक स्थिति से व्यक्ति कमजोर हो, कहीं ना कहीं उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ता है, अपनाना ही पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक ऐसा ही एक मामला झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले मऊरानीपुर तहसील के गांव नया गांव से देखने को मिला है, जहां रहने वाले भगवान दास विश्वकर्मा ने पैसे के अभाव में मशीनें नहीं खरीद पाई लेकिन लकड़ी का काम करने का जुनून उनके पास था, जिसके बाद से उन्होंने साइकिल से ही लकड़ी को साफ करने की मशीन बना डाली, जो कि अपने आप में ही एक मिसाल साबित होती है। वही भगवान दास ने बताया है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते मशीन को नहीं खरीद सकते थे, इसलिए साइकिल से ही जुगाड़ बैठाना पड़ा। वही बता दें कि अपना काम बखूबी वे करते हुए नजर आते हैं और आसपास के लोग भी इस तरह की जुगाड़ देखने के लिए आते दिखते हैं। कौमी एकता के प्रतीक हरजन बाबा सदन साहू से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक आस्था के रखने वाले में सभी धर्म और साथ ही समुदाय के लोग आते हैं। मामला 5 फरवरी की रात बता दें कि 7:15 का है, जहां कुणाल शर्मा नामक छात्र बाबा के दरगाह पर आता है और उस समय दरगाह पर मिलाद चल रही होती थी और जिसके किसी को मालूम नहीं था कि लगभग 24 वर्ष का ये लड़का मजार पर अंदर कुछ गलत नियत को लेकर जा रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यह लड़का सीधे अंदर दरगाह में घुस गया और दरगाह के अंदर घुसकर दरगाह में थूकने लगा और वहीं दरगाह के ऊपर पड़ी चादर को उठाकर फेंक दिया। वहीं मौजूद लोगों ने इसको लेकर हरकत करते हुए देखा तो वहाँ बता दी कि उसने रोकने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन जब
उनको रोकने की कोशिश की गई तो उस लड़के ने गंदी गंदी गालियां देने शुरू कर दी। एक विश्व समाज को अभद्र टिप्पणियां करते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तब वहां मौजूद मिलाद पढ़ रहे थे, लोगों ने उसे पकड़ लिया और साथ ही पुलिस को बुलाकर वहीं मौजूद समाज के कुछ लोगों ने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी और आला अधिकारियों ने आनन फानन में कुणाल शर्मा को ऊपर 995 एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अरस्टू बता दें कि हालेपुर श्याम नगर स्थित एक घर में कल शाम को लोगों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी, जिस पर मोहल्लेवासियों ने परिजनों को साथ कमरे में जाकर देखा तो युवक के पेट में गोली लगी हुई थी। परिजन उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत के भाई ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और साथ ही पत्नी के साथ ना भेजने की वजह से भाई के आत्महत्या करने की तहरीर पुलिस को दी थी। इस पे मामले में मृतक की ओर से आत्महत्या करने के लिए पूर्व बनाया गया वीडियो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसको लेकर पुलिस कई बिंदुओं में जाँच पड़ताल कर रही है। अटसू चौकी क्षेत्र थाना जीतमल में एक सूचना आई कि मृतक राजा शुक्ला निवासी श्यामनगर ने गनशॉट से ये सुसाइड कर ली है। तो मौके पर जाकर देखा गया तो पता चला कि इनके परिवार शाम को इन्होंने जब सुसाइड कर ली थी इसको हॉस्पिटल ले गए और जब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तब ये लोग पुलिस को सूचना दिए। और पूछताछ में जो बात प्रकाश में आई है कि राजा तीन सगे भाई हैं, राजा जितेंद्र और एक और भाई है, ये तीन सगी बहनों के साथ इनकी शादी हुई थी जो बदायूं के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले इनके ससुर की डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद ये 13वीं में गए थे, वहाँ से इनकी वाइफ जो है वापस नहीं आई। तो इनको बच्चे हैं तीनों के, एक एक बच्चा है, वो वापस कर दिए कि आप ले जाइए अभी हम अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे, जिस ये सब जानकारी इन्होंने दी है, जिसे छुप दोकर राजा ने सुसाइड कर ली है। जब गहराई से जांच की गई तो मृतक राजा के फ़ोन में एक वीडियो भी मिला है जिसमें वो काफ़ी इमोशनल होकर ये कह रहा है कि मेरी बेइज्जती हो गई इसलिए मैं ये सुसाइड कर रहा हूँ। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के सेड़गढ़ घाट स्थित यमुना नदी के कूदने जा रहे एक युवक ने बता दें कि हाई वोल्टेज ड्रामा किया है और पुल से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सूचना दे दी। लोगों ने युवक को पुल से सुरक्षित बाहर खींचकर मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया है। युवक आशिकी में फेल होने के चलते यमुना नदी में कूद कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। वहीं रायबरेली में बुजुर्ग गांव के ही युवक ने हत्या कर ली है। गांव वालों द्वारा बताया गया है कि संतलाल पागल था जिसकी मानसिक संतुलन सही नहीं थी। रात करीब 9 बजे अचानक घर में आया और बुजुर्ग घर बाहर लेटा हुआ था। तभी अचानक लोहे की रॉड से उसने अपने ऊपर हमला बोल दिया और साथ ही बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बता दें कि परिजनों द्वारा बताया गया कि पागल बुजुर्ग जो है आए दिन गांव में लोगों के ऊपर हमला करता रहा था, वही परिजनों के ऊपर भी हमला करता रहता था। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? करसेनी के। रात में हत्या हुई है, कैसे हुई हत्या? ये हत्या हुई लमसम 9-10 बजे के बाद। कैसे हुई? बीच में ये दुकान है इनका, दुकान पे पागल सामान लेने आया। अच्छा। वो सामान ना देने पर कैसे कारण मतलब मार दिया। रायबरेली में पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर में छावनी में तब्दील कर दी गई है। यहां पर कांग्रेस मुख्यालय में तिलक भवन को पुलिस ने चारों ओर से बैरिकेड लगा दिया है। दरअसल कांग्रेसी LIC और साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा अडानी समूह को अवैध रूप से दिए जाने का आरोप लगाकर DM को ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेसी LIC और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक होते हुए कलेक्टर जाना चाहते थे लोग। इस दौरान पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर कांग्रेसियों को दफ्तर के भीतर ही नज़रबंद कर दिया है। कांग्रेसी DM कार्यालय जाकर ज्ञापन देने की जिद पर अड़े हुए थे और साथ ही दफ्तर के ठीक बाहर बैरिकेडिंग के भीतर
धरने पर भी बैठ गए थे। घर पर सो रहे शख्स पर उनकी बेटी ने धारदार हथियार से हत्या कर दिया। बता दें कि गर्दन पर वार कर हमले को रूप अंजाम दिया है और लघुलुहान कर दिया है। वारदात के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। आनन फानन में परिजनों ने घायल को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहीं पुलिस को अवगत कराया गया पूरा मामला। बता दें कि इस मामले में सोते हुए पिता के ऊपर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसके बाद से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पिता अभी घायल बताए जा रहे हैं। इनकी लड़की ने क्या कर दिया? इनकी क्या मारा? क्या खा गई? क्या मारा? कहाँ पर मारा? नहीं मारा, नहीं कहाँ, गर्दन में मारा, कहाँ चाकू मारा, क्या मारा था कुछ नहीं पता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।